नमस्कार, आप देख रहे हैं जीएच न्यूज। पूरी दुनिया में जहां ईद उल फित्र का त्यौहार बड़ी धूमधाम से मनाया जाता था, आज कोरोना के चलते आज कादियान में मुस्लिम समुदाय की ओर से घरों में ही ईद की नमाज अदा की गई। जहां बाजारों में रौनक लगी रहती थी, वो गालियां और बाजार वीरान पड़े हुए हैं। लोगों ने फोन और मैसेज से एक दूसरे को बधाई दी। कादियान से मुनीरा सलाम की रिपोर्ट। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अर्रहमान अर्रहीम, मालिक यौमिद्दीन, إياك نعبد وإياك نستعين. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. عيد مبارك، عيد مبارك، خير مبارك، عيد مبارك، خير مبارك. قادیاں وچ ویسے تے عید بارے حکم ہے کہ عید گاہ دے وچ یا مسجد دے سارے شہر دے لوگ اکٹھے ہو کے نماز پڑھن، पर चूंकि लॉकडाउन की वजह नाल कोरोना वायरस की वजह नाल गवर्नमेंट वालों यह ताकीद की गई है कि मस्जिदों के नमाज अदा नहीं करनी। इस वास्ते जमात अहमदिया के इमाम वालों हुक्म है कि बिल्कुल मस्जिद में ईद अदा नहीं करनी, और जिस तरह गवर्नमेंट की हिदायत है हुक्म उसकी पालना करनी है। चुनाचे गवर्नमेंट की हिदायत के मुताबिक अज घर ईद अदा की गई, हर घर मैं समझना या ज्यादा एक दो घर मिल गए हो लागे गुआढ़ी रिश्तेदार ज्यादा इन्ना ही है। वैसे हर घर नमाज ईद अदा की गई है और खुशियां मनाई गई ने। बहरहाल असल तो यह है कि जिस तरह गौरमेंट कहे वो मुताबिक चलना चाहिए। इस्लाम सानू दसदा है कि जेडे हाकम ने वक्त दे उन्हां दी आज्ञाकारी करो, चंगियां गल्लां दे विच नेक गल्लां दे विच उन्हां दी पूर्ण आज्ञाकारी करो। तो हर हाल जमात आज्ञाकारी कर रही है, इस वास्ते नमाज घरां च पढ़ी गई है। और उस तो अलावा सेवा दे काम ते बहरहाल रमज़ान दे विच भी, तो रमज़ान तो पहला जदों कोरोना वायरस शुरू होया सैकड़े लोगों की मदद की जमात ने घरां च राशन पा के होर नकद रकम दे के होर वस्तां दे के मदद की है, और अज भी करती चली आ रही। रमज़ान दे विच भी बेशुमार लोगों की सैकड़े घर राशन जरा पाया गया, गरीब लोगों की मदद की गई है। और रमज़ान का यही रोजे का यही फलसफा है, रमज़ान यही सुनेहा देने वास्ते सानू आंदा है कि जिथे तुसी इबादतां वद चढ़ के करो, रब नू याद करो, उत्थे मखलूके खुदा की सेवा करो। इस वास्ते जमात अहमदिया के सारे अफराद ने अपने इमाम की अगवाई में जिन्नी उन्होंने समर्था वद चढ़ के जी सेवा की, जमात वालों भी और इनफरादी तौर पर भी लोगों की सेवा की, अज तक करते चले आ रहे हैं।